थानेश्वर नगर परिषद के चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं, जबकि लगभग पिछले 1.5 साल से नगर परिषद के चुनाव ड्यू हैं। वार्ड बंदी का बहाना पहले लिया गया, पहले वार्ड बंदी की गई जिसमें कुछ एरिया नगर परिषद में शामिल किया गया, उसके बाद दोबारा से कुछ और एरिया नगर परिषद में शामिल किया गया। अभी कल या परसों अखबार में पढ़ने को मिला कि नगर परिषद की वार्ड बंदी पूरी हो चुकी है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे लोग और नगर परिषद अधिकारी मिली भगत से गुप्त तरीके से इसकी वार्ड बंदी करना चाह रहे हैं, जबकि तरीका होता है कि वार्ड बंदी जब भी की जाती है उसके बाद समय दिया जाता है ऑब्जेक्शन का, परंतु यहाँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं मांगा गया, कोई कुछ नहीं, पता नहीं कहाँ किस अखबार में दी गई, कौन सा नोटिस लगाया गया। तो ये सरासर एक गलत तरीका अपनाया जा रहा है। इसमें जहाँ चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, पार्षद हैं, पूर्व पार्षद हैं या अन्य जो साथी नगर परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें काफ़ी रोष है, पर आम जनता को भी ये नहीं पता कि उसको किस वार्ड के अंदर रखा गया है। इस सिलसिले में आज ये सभी साथी जो काफ़ी लंबे समय से पार्षद रहे हैं, चार चार बार के पार्षद हैं, नरेंद्र शर्मा है, विक्की जी हैं, अपना मनु है, सुधीर भट्ट है, निश्चल जी, ओपी है, सतीश जी हैं, प्रवीण है, सारे चुनाव लड़ने वाले या जो पहले हैं, इनमें रोष है। तो हमने निर्णय लिया है कि इसके लिए सोमवार को उपायुक्त कुरुक्षेत्र से मिलकर ये कहा जाएगा कि वार्ड बंदी को जो नगर परिषद ने गुपचुप तरीके से किया है, ऐसा ना करके इसको दोबारा से पब्लिश किया जाए, प्रॉपर इनके ऑब्जेक्शन मांगे जाए और तब जाके उसको फाइनल रूप करके नगर परिषद के चुनाव जल्दी कराए। और दूसरा, मुझे लगता है कि सरकार जो है वो नगर परिषद को पैसे कमाने का एक धंधा समझ चुकी है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार के तो आपने किससे इतने सुने होंगे कि नगर परिषद में कोई व्यक्ति भी कोई काम के लिए जाता है, पैसे बगैर नहीं आता। परंतु अब सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया कि प्रॉपर्टी आईडी अगर किसी की गलत है, उसको ठीक करानी है तो 5,000 रुपये जमा कराए। ये लोगों की जेब पे डाका है, पहले महंगाई की मार पड़ रही है। तो इसके बारे में भी हम अपने ऑब्जेक्शन उपायुक्त महोदय से देंगे कि सरकार से कहा जाए कि ये वापस लिया जाए। और तीसरा हमारा इशू है कि कुरुक्षेत्र क्योंकि धार्मिक नगरी है, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है, यहाँ पर लोग आस्था से आते हैं, परंतु लोगों की आस्था को उस समय ठेस पहुँचती है जब यहाँ के सरोवरों का, यहाँ के तीर्थों का हाल देखते हैं। विशेष रूप से सबसे पवित्र सरोवर हमारा सनेह सरोवर है। मैं आप सभी भाई भी कुरुक्षेत्र के हैं, आपको भी न्योता देता हूँ कि आप पत्रकार साथी सभी जाके देखें किस प्रकार से शौचालय का गंदा पानी उस पवित्र तीर्थ सरोवर में जा रहा है। उस वहां पर गंद का डंपिंग पॉइंट बना दिया गया है। कई बार मैंने उपायुक्त से भी बात की, कई बार मैंने आपके जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, उनसे भी बात की गई, परंतु कोई उसका हल नहीं निकला है। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि सोमवार सुबह 10 से 12 बजे तक हम कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सामने धरना देकर अपना रोष व्यक्त करेंगे। ये हमारा संकेतिक धरना होगा, अगर उसके बाद भी सरकार या डेवलपमेंट बोर्ड उस पर कार्रवाई नहीं करते तो फिर इसका एक जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि लोगों की आस्था का प्रतीक है। आज लोगों की आस्था पे ठेस पहुंचती है, कहने को तो सरकार बहुत मंदिरों के नाम पे, तीर्थों के नाम पे बहुत सुधारीकरण की बात करती है, परंतु जो पवित्र सरोवर है उनके अंदर ही गंदा पानी जाए, डंपिंग पॉइंट बने, ये बड़ी गलत। इनका एक मकसद है कि अपने विरोधियों को कैसे दबाया जाए। कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है, उनकी आवाज को ये दबाना चाहते हैं। प्रजातंत्र में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है,
परंतु इनका तो एक मकसद बन गया है कि प्रजातंत्र को खत्म करो, संवैधानिक एजेंसियों को इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को दबाओ। ये लक्षण देश के प्रजातंत्र के लिए ठीक है।